केजरीवाल भी कह रहे हैं युवाओं के लिए, यंग जनरेशन के लिए कि काफी ज्यादा रोजगार देंगे। आपको अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है? नहीं, उसमें भरोसा नहीं, मुझे से बेकी मोदी जी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत काम करते हैं, दो बार वडोदरा में भी आ गए हैं। इसीलिए किसको वोट देंगे? केजरीवाल को देंगे हम इस बार। को इस बार केजरीवाल, जिस तरह से दिल्ली में जो काम किया है ना वो बहुत अच्छा किया, हम चाहते हो यहाँ पे हो, बगाएगा कि नहीं बगाएगा, यहाँ धंधा करेगा नहीं करेगा, मोदी को देंगे। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी चाहिए और कोई नहीं चाहिए? हमारे गुजरात में मोदी को ही देने का। लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, वो कोई मफत में देने वाला कोई भी नहीं, कोई फ्री बिजली फ्री कोई नहीं, कोई ना देवे, अभी मैं फ्री में दूंगा तो मेरे घर पे खाने के वादे आ जावे, कोई फ्री में कोई ना देवे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं वडोदरा में मौजूद हूं, सयाजी बाग, जो कि वडोदरा का एक बहुत ही फेमस बाग है, कमाटी बाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है, काफ़ी ज़्यादा यहां पे रौनक है, रौनक आपको दिखाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपने फैमिली के साथ शाम का लुत्फ उठाने के लिए। और जब आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ठेले भी लगे हैं, लोग फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ आते हैं, खाते हैं पीते हैं, मौज मस्ती करके चले जाते हैं। तो एक बहुत ही फेमस जगह है ये कमाटी बाग। तो यहाँ पे भी चुनाव है और चुनाव में यहाँ की जनता क्या सोचती है, कमाटी बाग की जनता क्या सोचती है, यहाँ की जनता किसे वोट करने जा रही है, आज उसी पे चर्चा करेंगे। वडोदरा से सीधा बातचीत के लिए बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है शेख अल्ताफ हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? कमाटीपुरा फतेहगंज। अच्छा, यहीं रहते हैं आप। वोटिंग होनी है, किसको वोट करने जा रहे हैं आप? जो हमारे को गरीबों को सहायता करेंगे, हम गरीबों को दोगे, उनको वोट करेंगे हम। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किसकी सरकार अच्छी है, बीजेपी की अच्छी है या कुछ बदलाव चाहते हैं? अभी बदलाव चाहते हैं हम लोगों, आम आदमी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? हाँ। नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है? क्योंकि कुछ बची नहीं कह रहा, घर तोड़ डाला है, अभी तक हमको घर मिला नहीं है। अभी तक रिक्शा के अंदर गैस का भाव बढ़ गया है, गैस में कोई प्रॉब्लम हमको मिल नहीं रहा है, गरीबों को कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा, हर चीज़ पे GST लगा दी हुई है। तो एक रोजगार आपके लिए बड़ी समस्या है। आप किसको वोट करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि 8 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है गुजरात में? सरकार का तो पता नहीं किसकी बनेगी, पर हम वोट तो मतलब अभी तो जो चल रहा है मार्केट में BJP चल रही है। तो आप किसको वोट करेंगे? वोट तो अभी क्या बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो BJP चल रही है टोटली। आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी, कांग्रेस भी, अभी कांग्रेस भी नहीं आ रही है ना आम आदमी पार्टी आ रही है। कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है कुछ भी। अच्छा, आप किस, आपका वोटर कार्ड बन गया है? हाँ, मेरा बन गया, भाजपा को ही वोट दूंगा मैं, भाजपा को, BJP को ही वोट दूंगा। क्या लगता है नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? आप यंग हैं, आप संतुष्ट हैं BJP की सरकार? हाँ, BJP क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। लेकिन केजरीवाल भी कह रहे हैं युवाओं के लिए, यंग जनरेशन के लिए कि काफी ज्यादा रोजगार देंगे। आपको अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है? नहीं, नहीं, उसमें भरोसा नहीं, मुझे से बेकी मोदी जी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत काम करते हैं, दो बार वडोदरा में भी आ गए हैं इसीलिए। अच्छा, वडोदरा आके गए? हाँ, आने वाले हैं एक बार फिर से? वो आएंगे घूमने, मीटिंग करने आएंगे, घूमने आएंगे। अंकल, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हम दाल बेचते हैं, देखो इधर जी, इधर इधर जी, ये चने की दाल है, चना चोर गरम वाले, मोदी को देने का 2 नंबर को। अच्छा, मोदी को? हाँ, भगाएगा क्या नहीं भगाएगा, यहाँ धंधा करेगा नहीं करेगा, मोदी को देंगे। अच्छा, कौन भगाएगा आपको, ऐसा आपको दिक्कत? भगा रहे ने? अच्छा, हाँ, भगा दे उसके बाद भी मोदी? हाँ, मोदी को देंगे 2 नंबर। बराबर, मोदी साहब को लाएंगे आगे, मोदी साहब को लाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो है कॉम्पिटिशन। सही है, पर अभी चलता है BJP मोदी सरकार तो। लेकिन बहुत साल हो गए, 27 साल हो गए, बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव इतना सारा तो विकास लाया मोदी साहब ने, अभी कितना विकास करने का भरोसा? अच्छा, है मोदी पे? बहुत भरोसा है, वही आएगा। आप किसको वोट करें? हम मोदी को करेंगे, हमारे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा विकास लाया है, और हम हमारे भले भाव वो सब में बढ़ा दिया है, पर उससे ज्यादा हमको नफा भी मिलता है ना, अच्छा है मोदी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, बहुत मेघवारी हो गई, उसके पीछे ऐसा दाम भी बेंदी, हम नफा भी बढ़ गया है हमारा। अच्छा, नफा बढ़ा है? हाँ, देखो पहले हमारे हम 50 रुपये KG लाते थे, अब 120 रुपये KG हो गया, तो अभी हम 300 रुपये KG बेचते हैं, उसके पीछे हमको डबल नफा मिलता ही है। कभी ऐसे दिक्कत नहीं होता, आप पार्क के सामने लगाते हैं पुलिस वाले या कोई आपको म्यूनिसिपल वाले हटा देते हैं, इस तरह की? ऐसा तो होता ही है, अभी ऐसा ही है, जो
अभी जो नया कमिश्नर साहब आता है जरा विकास ला नहीं रहे, हटा तो हट जाते हम, फिर हमारा जो गुजरान इस पे ही चलता है, हटा बोले तो हटा लेते, फिर जावे तो थोड़ा थोड़ा लगा के हमारा। अच्छा, कोविड में कोरोना काल में टीका लगा, राशन वाशन सब मिला? हाँ, मोदी ने दिया ने, मोदी ने हमको जो हर महीने हमको जो 2,000 रुपये भी दिया है, जो ठेला लगा के हम रोज बैठते ले, तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है मोदी ने, विकास किया है और पैसे भी खाते में आप आए ना, पैसे भी आपको मिले पैसे? हाँ, हमारे साथ में जो मिला गैस का बोतल भी मिला है हमको। हाँ, मोदी ने दिया ना 100 रुपये में गैस भी दिया। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी चाहिए और कोई नहीं चाहिए? हमारे गुजरात में मोदी को ही देने का। लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, कोई मफत में देने वाला कोई भी एनजीओ कोई फ्री बिजली फ्री पानी कोई नहीं, कोई ना देवे। अभी मैं फ्री में दूंगा तो मेरे घर पे खाने का वादे आ जावे, कोई फ्री में कोई ना देवे, ये सब खोटा खोटा ये सब बात कर रहे। आप यहीं के रहने वाले? बड़ौदा के रहने वाला, वडोदरा के रहने वाले हैं। यहाँ पे भाजपा का राज चलता है, भाजपा से बहुत अच्छा तरीके से सबका रोजी रोटी चलता है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ धंधे वाले सब धंधा करते हैं, बाल बच्चे का पूरा गुजारा करते हैं। तो भाजपा का ही राज है? हाँ, यहाँ पर भाजपा का राज है और भाजपा को ही सब मत देते। मोदी जी पसंद? मोदी जी पसंद है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और सब तरह से हमको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, धंधे पानी में हमारे बाल बच्चे कर खाते, कोई परेशानी। तो बड़ौदा में बीजेपी की सरकार है, मोदी की का ही राज है, तो लोग यहाँ पे बदलाव नहीं चाहते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। किसको वोट देने चाहते? केजरीवाल को देंगे हम इस बार। तो इस बार केजरीवाल को वोट देंगे? जिस तरह से दिल्ली में जो काम किया है ना, वो बहुत अच्छा किया। हम चाहते हो यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार है हम लोग। हमारे मकान भी जो तोड़ डाली झुपड़पट्टी, वो मकान तक नहीं दिए। मेरे बच्चे 3 साल से इंग्लिश मीडियम में जा रहे, घर पे बैठे हुए। आप चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार? केजरीवाल आएगा तो बहुत सुविधा मिलेगी, फ्री बिजली फ्री पानी, फ्री बिजली और सरकारी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो जाएगी, और एक चांस देना चाहिए उसको, क्योंकि अभी तक भाजपा देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप गुजरात से ही हैं? यस। किसको वोट करने जा रही हैं? भाजपा को। बीजेपी को वोट करने? हाँ ठीक है। किसी और सर गवर्नमेंट को मौका नहीं देना चाहते? नहीं, भाजपा को ही। क्या वजह? जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी पसंद है? काम हुआ है? हाँ हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ है। अभी शाम का वक्त है, आप लोग घर से बाहर हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना? रात को 11 बजे 12 बजे लेडीज निकल रही है अकेले। सुरक्षित है, मतलब महिला यहाँ सुरक्षित है? महिलाओं को कंप्लीट सुरक्षित है ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना, देश बढ़ रहा है इसलिए। मोदी जी से खुश है? हाँ खुश है ना। चोरी डकैती ऐसी सारी चीजें, छेड़छाड़ ऐसा कुछ है गुजरात? बहुत था पहले, अभी कम हो गया नरेंद्र मोदी के आने के बाद, अभी नहीं है। आप किसको वोट करेंगे? मोदी। मोदी जी को। आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी। मतलब बीजेपी बीजेपी किसी और गवर्नमेंट को मौका नहीं, नहीं है कोई नहीं, हम खुद मोदी है इसके लिए। कैसा लगता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, कैसा लगता है ना? हमारे गाँव के ही है वो। अच्छा, खुशी होती है? होती है ना, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है ना। बार बार वो गुजरात भी आते हैं यहाँ। हाँ, कितनी प्रगति हुई इसलिए। कितना बदला है गुजरात पहले और अब के गुजरात में, कितना अंतर? खासा बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नया हो गया है। वो पावागढ़ में वो मंदिर है ना, वो पहले पुराना था, अब इतना अच्छा हो गया है ना कि सब जा सकते हैं उसमें, इसलिए। यहाँ पे लेडीज रात को 2 बजे तक घूम सकती है, कोई उनका नाम थाम लेते नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से सब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब भाजपा को वोट देके मोदी जी को आगे ला रहे हैं। बस यही हमारी प्रार्थना है कि मोदी जी फिर से वापस आए और गुजरात का विकास करें। तो शाम का वक्त है, सयाजी बाग में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। आपने सुना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से दुखी ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिस वजह से वो सरकार से संतुष्ट नहीं है। पर अधिकतर यहाँ की जनता का यही कहना है कि वो मोदी को ही दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ बड़ौदा से मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी।
उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।